आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे मेरे शूट से, फिर हम जाएंगे डे टू पर बाहर, एंड देन फिर हम मिलेंगे हमारी फैमिली से और उनसे करेंगे ईद मुबारक, फिर हम जाके स्ले करेंगे, पिक्चर्स लेंगे, एंड देन जाएंगे एक रेस्टोरेंट और वहाँ जाके पियेंगे सबसे बुरी कॉफ़ी। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। What is up everyone, it's me here as always and welcome back to my YouTube channel. तो सबसे पहले आपको, आपकी फैमिली को एंड सबको ईद मुबारक। मे अल्लाह एक्सेप्ट ऑल आवर कुर्बानीज। और हमारे घर के नीचे भी कुर्बानियाँ हो चुकी हैं अभी। ये तो ये अजीब ईद मुबारक, ये लोग अभी उठे हैं तो उनकी हालत ऐसी नहीं है कि मैं उनको दिखा सकूँ। तो हमारे घर के नीचे भी कुर्बानियाँ हो चुकी हैं एंड प्लीज़ जो कुर्बानी करे गंदगी का खास ख्याल रखे, ठीक है। और बाकी मैं ये बोल रही थी कि अभी मैंने हमारे सेकंड डे के कपड़े पहने हैं, विच इज़ मैंने अपना फर्स्ट डे का शूट करा के आई हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जाइए वो शूट देखिए, फिर विल गोना गेट अवर डे स्टार्टेड। वो सारे पुराने जिनसे दिल तुझको जाने, कहते हैं दिल से वो सारे, कपड़ों में पिक्चर ले रही थी, बट यहाँ लाइट इतनी डार्क हो रही है, मतलब अच्छी नहीं आ रही लाइट, तो रील नहीं बन पाएगी। तो अभी हम देखते हैं हम आज क्या करते हैं। सबसे पहले तो मैं जाऊँगी अपना नाश्ता करूँगी। नाश्ता तो खैर वो नहीं होगा, वो लंच ही होगा। हाय ईद मुबारक। अभी ये लोग कोई तैयार नहीं हुए तो मैं इनको दिखा नहीं सकती। तो अभी 3 बज रहे हैं, हम अपना लंच करते हैं एंड देन फिर देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। और तो मैंने अभी अपने कपड़े चेंज कर लिए, सही है, और मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा। तो मम्मा ने बनाई थी पूरियाँ और सुबह शीर खुरमा बना था सुबह, मतलब नमाज के टाइम पे। तो हम खाते हैं पूरियाँ, यहाँ बन रही है बीफ बिरयानी और मैं बीफ नहीं खाती बिल्कुल भी, नहीं खा मतलब बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं खाती। तो बस बैठे हुए, चलें चलें चलें। अभी हमारे घर का काम भी नहीं हुआ है, काम होगा फिर हमारा कोई सीन ऑन होगा, फिर हम देखेंगे हम कहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे। तब तक के लिए सोते हैं। ओके सो आई एम बैक और अभी हम जा रहे हैं बाहर आउटिंग करने, क्योंकि आज हम बिल्कुल फ्री हैं, फर्स्ट डे हमारा कुछ काम वाम नहीं होता। तो आई एम रेडी एंड हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ओके थैंक यू मम्मा, आप अच्छी लग रही हो। थैंक यू। ज़ैनब पीछे अपना पता नहीं क्या निकाल रही है। अभी हम बस जा रहे हैं, मम्मा को बहुत गर्मी लग रही है, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। बोलो हेलो। अच्छा सही है यार। अभी हम बस निकलने वाले एंड रेडी। हाँ सही, जैनब से भी मिलना आप। हेलो ईद मुबारक। बाय। चलो अब निकलो, लाइट्स बंद करनी है, रूम की लाइट्स बंद करो। अभी हम निकल रहे हैं एंड वी गोना टेक यू गाइस अलोंग विद अस। तो हो गई, बोल रही है इतनी स्मेल है यार, स्मेल तो होगी, अब स्मेल तो रहेगी, और अभी इसमें बारिश हो जाए तो फिर सीन कुछ ऐसे है। ये हमारी पार्किंग भी साफ हो गई है, यहाँ सारी कुर्बानी हुई थी, गुड गुड गुड, क्लीन हो गया सब कुछ। स्मेल तो होगी, ये बकरा रह गया हमारी बिल्डिंग का। मम्मा आखिरी टाइम देख लो जानवर फिर अगले साल क्यूट्स क्या क्या जानवर आते हैं। तुम इतनी अच्छी लग रही हो, बताओ जोर से बोलो। मैंने जो बोला था हस्तैन क्या आज के जानवर तो आते ही जाने के लिए, गाड़ी में बताएंगे। चलो हाय कर दो, हेलो कर दो। यार आज इतनी गर्मी है, 5 मिनट सिर्फ हुए हम एसी से बाहर आए हुए एंड हम पूरे पिघल चुके हैं। अभी हमारी गाड़ी पीछे फंसी हुई है, टीन 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 टीन, वेट करेंगे वेट करेंगे। कुर्बानी का है ना ये तो, सब चॉकलेट है खा लो चलो भाई हमारी कार भी आ गई, अब बैठेंगे सुकून से। कल मम्मा हसन को बोलती है कि है ना हसन यार जानवर कट जाएंगे, कुर्बानी है ये वो, हसन बोलता है आते ही तो है कुर्बानी के लिए, इतने कोई नॉन इमोशनल जवाब देता है हसनैन। हसनैन को शौक नहीं है क्या, हसनैन को सिर्फ गाड़ियों का शौक, अपनी दो बहनों को मिल रहा है। ओह माय गॉड।
अभी हम आए हैं एमआर एंड यहाँ हम बस पिक्चर्स लेने आए, घूमने फिरने आए एंड यहाँ इतना अच्छा सनसेट हो रहा है एंड इन मैडम का पता नहीं क्यों मुंह बना हुआ है. क्या हुआ है तुम्हें? हाँ ये बोल रही है मेरे से बात ही नहीं करो. क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ. पता नहीं क्या हुआ है इसको, इसको शायद भूख लग रही है. गोश्त खाना है? हाँ गोश्त खाना है. आज उसको ले जाते हैं, इसको हमारी बिल्डिंग में ही छोड़ देना चाहिए था, ये वहीं खुश. चलो बात करो इनसे, तो बात कर लो, मेरे से बात करो ना करो. हाँ हेलो करते राज गुस्सा है भाई वो. मम्मा अबू हसन वो सब वहाँ बैठे हुए. हसनैन आप कैसा फील कर रहे हैं, हम आपको व्लॉग में ले रहे हैं. हाउ इज यू? हाँ अच्छा. अरे आपने ईद मुबारक नहीं किया यहाँ? आपने ईद मुबारक नहीं किया यार? ईद मुबारक यहाँ देख, यहाँ देख. ईद मुबारक, ईद मुबारक. सनसेट हो गए, अभी हम जाएंगे कॉफी पीने. हाय. बहुत गर्मी हो रही थी और आज ईद वाला दिन बहुत गर्म, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत ठंडक है. ओके सो मम्मा इज सेइंग ठंडक है. ज़ैनब का मूड ठीक हो गया. हसनैन अभी फिर से ही इज. अभी हमने अपनी फोटोग्राफी कर ली है एंड अभी हमने सी सॉल्ट जा रहे हैं हम, तो हम चलते हैं और अपना शेक लेते हैं. एक्चुअली जब यहाँ एंटर होते हैं तो आपका 1000 rupees का वाउचर कटता है एंड अभी हम खाना खा के आए थे तो हमें इतनी भूख नहीं लग रही, तो हम जस्ट अभी जाएंगे एंड ड्रिंक पियेंगे और मैं भी जा रही हूँ कॉफ़ी लेना, तो आप लोग भी चले मेरे साथ. चलो ज़ैनब मैडम का जो मूड ठीक नहीं है. क्या मंगवा रही हो? आई थिंक आई एम गोना ऑर्डर कॉफी एंड व्हिच वन? स्पैनिश लाटे. तुम? देखती हूँ. ओके सो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम, मैं और ज़ैनब कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे एंड अगर हमें मम्मा या अब्बू को कुछ चाहिए होगा तो वो ले लेंगे. सो बस वही ऑर्डर कर रहे हैं. कॉफ़ी तो हमने ऑर्डर कर दी थी बट ज़ैनब और हसन यहाँ पता नहीं क्यों इतना सीरियस होकर बैठे हुए थे. खैर फिर अब्बू ने अपना सैलड मंगवाया, ही वॉज इन्जॉइंग हिज सैलड एंड देन बात आई मेरी कॉफ़ी की एंड कॉफ़ी वॉज द वर्स्ट. मैंने उनको पहले बोला कि आप इसको ठीक करके ला के दें, उन्होंने मज़ीद बिगाड़ दी. बट यार बंदा क्या बोले, कितनी दफ़ा बोले. उनको अच्छा खासा बोला था कि ये बिल्कुल भी अच्छी कॉफ़ी नहीं है और मैंने कोई पहली दफ़ा नहीं पी, बहुत दफ़ा पी लिया. ओके सो अभी हम सी सॉल्ट से फ्री हो गए हैं. वर्स्ट कॉफ़ी एक्सपीरियंस. हमने कॉफ़ी बहुत जगहों की पी है और आप लोग हमें देखते रहे हैं तो आप लोगों को पता है, बट दिस कॉफ़ी वॉज नॉट वर्थ इट. इट वॉज नॉट वर्थ द मनी. इवन मुझे तो खाना भी, खाना तो खैर हमने ऑर्डर नहीं किया था, वी ऑर्डर्ड सैलड, बट पुअर सर्विस, पुअर कॉफ़ी एंड जस्ट नॉट वर्थ इट. तो अभी चलते हैं घर एंड या कि यार यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी है विच इज़ यहाँ की सिटी लाइफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब बोले, लाइक आई लाइक द रेजिडेंशियल एरिया. यहाँ वॉक सुकून से कर सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ होती मैं तो रोज़ 3 times जॉब करना आती. तो दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक. बाकी इधर उधर कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं बस चले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ. कार का वेट कर रहे हैं जो कि पार्किंग में. सो यहाँ पीछे आप देख रहे होंगे सिटी लाइफ नजर आ रही है. चलो लेट्स गो गाइस. तो जी वी आर बैक होम, पे घुमाते घर आ गए. मेरे कोई चप्पल उतार दे प्लीज, प्लीज कोई मेरे चप्पल उतार दे यार, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ. बैक टू ओरिजिनल हाइट. और हमने रास्ते में बोतियाँ भी ले ली और हमें रास्ते में बारिश भी मिली. इतने दिनों बाद बारिश हुई है कराची में, लेकिन बूंदाबांदी अच्छी, वरना तो पानी में ओझड़ियाँ घूम रही होंगी और उस पर हम बैठे होंगे. ज़ैनब अपने लेंस उतार रही है. हमारी आंखें असली हैं, वो उसके नंबर ज्यादा है ना, तो उससे वो लगा दिए नंबर ज्यादा है उसकी आंखों के. 3 है 3 है ना तुम्हारे, -3, तो इसलिए वो लगाती है, वरना हम सबकी रियल आंखें हैं. फिर उतार रही है ज़ैनब. आंखें हमारी इतनी वीक नहीं है कि हम रेड फ्लैग्स ना देख पाए. ज़ैनब रेड फ्लैग्स नहीं देख पाती हैं लोगों में, दैट्स वाई उसकी आई साइड बहुत वीक है. मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाने वाली थी. ये ड्रेस जो है ये मैंने खुद डिजाइन किया है एंड इस पे जो पर्ल्स हैं वो ज़ैनब ने लगाए हैं एंड ये जो मोती आई है हमने अभी खरीदा है. तो ओवरऑल आई लव माई लुक एंड जो हमने शूट में जो मेरा रेड वाला ड्रेस देखा था वो भी मैंने खुद डिजाइन किया था. तो योर गर्ल इज वेरी टैलेंटेड.
अगर आप लोगों को कपड़े अच्छे लगे तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी कमेंट करें और सब्सक्राइब करें यार। ईद है, इस सीट पे ईदी तो होती नहीं, गोश गोश देते हैं, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके नहीं ईदी दे दीजिए, ठीक है। बाकी ये यार कि हम अभी घर आ गए, इस वक्त कितने बज रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं एंड अभी नहीं पता क्या करेंगे, बिकॉज यार इस सीट पे कुछ होता ही नहीं है और हमारा वैसे भी बकरा ईद पर इतना कुछ बड़ी बड़ी गैदरिंग्स नहीं होती, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल, तो हम पूरे टाइम से वैसे ही पड़े होते हैं। और आज भी हमने अचानक हमारा प्लान बन गया और यार सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, मतलब पहले एक टाइम होता था कि बकरा ईद में सब रेस्टोरेंट्स बंद होते थे क्या। अच्छा इन्हें भी पिक्चर पोस्ट करनी है। हाँ तो मैं बोली थी कि जैन तुम्हें बताओ मुझे कि है ना, वर यू सरप्राइज्ड सीन के इतने सारे रेस्टोरेंट्स खुले में, पिक्चर एडिट करके दे दो। अच्छा तो भाई हमने ना, मैंने आज कुछ ढंग का खाया नहीं और मम्मा ने मुझे इस बात पर बहुत डांटा है, ये मम्मा को लगता है मैं बहुत पिकी हूँ, विच इज ट्रू। तो अभी जाना बना रही है रेमन नूडल्स और उसने आधे नूडल्स गिरा भी दिए। चुप हो जाओ, मेरा मोबाइल चार्ज पे। तो अभी हम बनाएंगे रेमन नूडल्स क्योंकि हम बीफ खाते नहीं हैं, आपको बता चुके हैं हम। तो अभी यहाँ पानी उबल रहा है इसका, रेमन का आउच। तो अभी हम खाएंगे रेमन नूडल्स और फिर क्या करेंगे उसके बाद यार मूवी देखेंगे आज, ठीक है। फिर हम देखेंगे मूवी। ये बंदा हमें, ये हमारे साथ एंजॉय नहीं करता, ये बहुत सीरियस रहता है, पता नहीं क्योंकि है नहीं सीरियस, ये सिर्फ कैमरा में बनता है। और आज तुमने मेरे व्लॉग में सबको ईद मुबारक भी अच्छे से नहीं किया, अच्छे से बोले ईद मुबारक। ईद मुबारक जी अम्मा, आपको ले नहीं रही मम्मा को, आज बहुत गर्मी लग रही है, आज है गर्मी वैसे ईद वाले दिन। कोई बात नहीं यार, डांट खा लेंगे अम्मा, आप डांट दो कोई मसला नहीं। क्या बोला, कट तो वैसे ही हो जाता है। कट तो वैसे नहीं, ये कटेगा नहीं, ये पूरा जाएगा। पांच मिनट मैंने दिखाई थी, आइए व्लॉग में खाते हुए दिखाइए। मैं शीर खुरमा नहीं पसंद मुझे, नहीं खाती है, कुछ नहीं खाती, ना ये शीर खुरमा ना ये बिरयानी। बिरयानी तो बिल्कुल नहीं पसंद, गोश्त तो वैसे मैं शुरू से गोश्त नहीं खाती, मैं तो सब्जी खोल के नहीं रही, सब्जी भी खाती हूँ नहीं खाती यार। लेकिन आज है ना इतनी गंदी कॉफी पी गया ना, सारा गुस्सा उस चीज का आ रहा है यार इससे। हाँ मैं टैग करूंगी, इतनी बुरी कॉफी यार, मतलब हम इतनी दफा सी सॉल्ट गए, बुरी सर्विस हमें कभी नहीं मिली आज यार, बट स्टिल इट वाज द वर्स्ट। अब मम्मा का शीर खुरमा भी देखो। तो भाई हमारे यहाँ खाना वाना रेडी हो गया, बहुत बड़ा दस्तर लगा है यहाँ हमारा, और यहाँ हमारा सामने टीवी, और इतनी गर्मी है, हमारे एसी को भी पसीना हो गया, उसके भी पसीने टपक रहे, तो हमने पोंछने के लिए वहाँ नीचे बाल्टियां रखी है, एसी का पसीना पहुंच रहा है। अब बस हम खाना खाएंगे सुकून से, टीवी देखेंगे एंड ज़ैनब खाएगी रेमन, और आज मम्मा ने बड़ी अच्छी दाल बनाई है तो मैं वो खाऊंगी। भाई हमने भी खाना खा लिया एंड मैंने अपना पूरा ड्राइव का हाल बुरा कर दिया क्योंकि मुझे इस शीशे में लेनी थी पिक्चर, तो अब इस शीशे को लगा रहे वापसी वहां, तो मैं और हस्बैंड ये काम करेंगे, आप लोग सिर्फ देखते रहिए। मैं डाल दूँ, तुम सब पकड़ो, मैं डाल दी हूँ, हाँ छोड़ दे, तू छोड़ दे, तुझे नजर जैसे कुछ घड़ी भी टेढ़ी लगाते हैं ये बंदा, आपको जहाँ बोलूँ। एक मिनट अबे एक मिनट, हाँ ये लग गई हूँ, ये हुक लग गई पकड़े मेरे को, छोड़ दे अब, छोड़ अब ऊपर से पकड़, एक मिनट खत्म हो गए। मर गए। व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, अभी सुबह हो गई एंड मैंने इस व्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, ऑल यू हैव टू डू इज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। टिल देन सी यू, बाय बाय।